मैं 2 लाख जो है पेट्रोल खर्चो। 2 लाख हमारा खर्चा हो गया, 1.40 हमको मिलेगा, तो लॉस हो गया। लोन वगैरह? लोन नहीं देता। जब देश भर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहा था, हम एक अलग कहानी खोज रहे थे। जब कुरनूल से आगे निकल रहे थे तो रास्ते में कुछ मिर्ची के खेत दिखते हैं और वहां मिलते हैं ये किसान। हेलो सर, क्या नाम सर आपका? श्रीनिवासन। श्रीनिवासन, श्रीनिवासन शिवा भाई, नरेश भाई। अना ये किस लिए यूज होता है ये? और गाड़ी वो तैले है ना, वो तैले लेके जाओ। तैली लेके? तो मेरे को कोई वो तो दिख नहीं रहा, बैल उधर है। किधर है? उधर। तो आपके पास है ट्रैक्टर? नहीं नहीं। तो फिर उसका अलग से खर्चा? हाँ अलग खर्चा है। कितना? एक एकड़ को 6,000। शिवा भाई को पहले लगा कि हम कोई सरकारी सर्वे करने वाले लोग हैं, पूछने आए हैं कि कितनी जमीन है, कैसे उगा रहे हो, टैक्स दे रहे हो कि नहीं, तो थोड़ा डर के बात कर रहे थे। फिर उन्हें बताया कि भैया हम सरफिरे यूट्यूबर हैं, समझने आए हैं कि खेती बाड़ी कैसी चल रही है, क्या परेशानी आ रही है, फसल का मूल, बैंक का कर्ज, ये सब समझने आए हैं। तो उन्होंने पूछा, ये तो न्यूज का काम होता है ना? भाई ने काफी टाइम से टीवी नहीं देखी शायद। वड़कम, नमस्कार। यहाँ वड़कम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर मिर्ची का खेती हो रहा है ना? हाँ मिर्ची के। और ये वाला अपना ये पत्ती? पत्ती, पत्ती मतलब कपास है, ये रुई है, यहाँ पे पत्ती बोलते हैं। अच्छा ना, ये जो अपना मिर्चा आता है ये आप कहाँ बेचते हो? मंडी में होता है या फिर खरीदार यहाँ आता है? ये वाला अलग रख के ऐसा वाला दुकान वाला के ले जाता। ये जो खराब वाला है ये वो नहीं लेके जाएंगे? ये वाला और ये वाला लेके जाएंगे। ये अलग निकाल के अलग निकालना। अना कितने दिन से कटाई हो रहा है अपना? वो 2 दिन 40 आदमी पकड़े। और वो जो अपनी मोमोज वाली चटनी होती है ना दिल्ली की स्पेशल, वो इन्हीं मिर्चों से बनती है। वेलकम टू द संडे भारत सीरीज। 24 स्टेट्स इन 2024। दिस इज अ जर्नी टू अंडरस्टैंड इंडिया और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अना अपना ये कितना खेत है? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ पूरा आपका है? पूरा। हाँ हमारा। और इसमें कितना क्विंटल निकल गया है? इसमें 10 क्विंटल है। मार्केट में जब बेचेंगे हम तो कितना एक क्विंटल का मिलेगा? 14,000 लग गया था। अपना 10 क्विंटल है, मतलब 1,40,000 रुपया। और अना कितना खर्चा लग गया हमारा इसमें? इसमें 2 लाख जो है पेट्रोल खर्चो। 2 लाख हमारा खर्चा हो गया, 1.40 हमको मिलेगा, तो लॉस हो गया। लॉस हो गया, पानी ना अच्छा नहीं आ रहा, लेबर खर्चो ज्यादा है, ऐसा लॉस आया था। और एक क्विंटल 2 क्विंटल वेस्ट निकालता। अच्छा, एक दो वो अच्छा वाला 9 क्विंटल आता। अच्छा, तो आप जब बेचते हो तो सिर्फ पूरा लेते हैं या वेस्ट हटा के अच्छा वाला लेते हैं? ये वाला वेस्ट निकाल के। अच्छा, अभी इसमें आए वो अलग रह के अच्छा वाला दुकान का ले जाता। अच्छा ना, इसका क्या है, ये क्या बताया था आपने? वो एसी गोडाउन बोलता, उसमें मिर्च का तैले और दाल का तैले इसमें रखते हैं। अभी रेट तो कम है, अभी कम है तो अभी आप उठा के इनको दोगे? उठा के उसमें रखता। अच्छा। उसमें रख के रेट ज्यादा वो आते वो निकालता। और कितना रुपया लेंगे ये? एक तैले को 200 रुपया देना, अच्छा अच्छा वाला निकाल के वो एसी गोडाउन में डालता। पर कितना थैला हो जाएगा लगभग? 20-15 तैले होता है, मतलब कि वहाँ भी 4,000 रुपया, ये 6,000 रुपया ट्रैक्टर का, लेबर का 10, और फिर फर्टिलाइजर का अलग है, फिर पेस्टिसाइड का अलग है, फिर आप जब उसको लेके जाओगे मंडी तक तो ट्रांसपोर्ट का अलग है। मतलब भाई ये 30-40 हज़ार यहीं पहुँच गया। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ना ये इंक्लूड नहीं होते, है ना? हम बस ये देखते हैं कि अच्छा हाँ इतने की फसल हुई, इतने का बिक गया, इतने का प्रॉफिट, इतना ऐसा आसान नहीं होता। छोटा मुल्क आते ये वाला लेके आते वो फर्टिलाइजर को ऐसा गड्ढे होता, वो गड्ढे नहीं आके वो उसमें वो यद्द है ना, वो यद्द लेके आने के
वो गुंडका आया था, वो गुंडका निकाल के पूरा क्लीन करते हैं 2000 रुपए। मतलब कितने ऐसे खर्चे हैं जो मुझे पता ही नहीं है। अभी लास्ट ईयर पिछले साल कितना मिर्चा निकला था? अरे ये समझ, पिछला सीजन, सीजन नहीं समझे ना, मतलब पिछला खेती। शिवा भाई से थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें हिंदी ना आए और मुझे तेलुगु, तो मैंने अपनी आंध्र की दोस्त शजरीन से मदद मांगी। पिछले साल लॉस हुआ था, प्रॉफिट लॉस नहीं है, वो बराबर है, वो बराबर आ गया था। अच्छा। इसमें लॉस है तो इसमें अभी 50,000 का लॉस हो गया। हाँ, लॉस। फिर अभी ये कैसे होएगा? क्या हाल, तुम मेरे को वो काम करके दूसरा काम नहीं आया था। अच्छा, एक क्विंटल का 14,000 होता है ना, कितना होना चाहिए? 25-24 आते लाभ आता। अगर 22 प्रॉफिट होगा, अगर 24,000, मतलब समझ लो कम से कम 60% की कम इन लोग को रेट मिल रहा है। अच्छा शजरीन, आई वॉन्टेड टू आस्क देम कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो MSP के लिए ही हो रहा है बेसिकली, है ना, तो उस पर इनका क्या कहना है? उनको इसके बारे में पता नहीं है, दिल्ली के प्रोटेस्ट के बारे में, तो मैंने इनको बोला तो वो कहते हैं हाँ होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा तो सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोन्स बनते हैं तो हम ही को चुकाना पड़ता है, अगर लॉस होता है तो हम ही को बेयर करना पड़ता है, देयर इज नो सपोर्ट इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। अना तो कोई यहाँ का जैसे आप नेता वगैरह होता है, किसी से आपने बात नहीं की इस बारे में? कौन नहीं आता, कौन नहीं देखता इसमें, वो इलेक्शन में टाइम आता वोट डालो डालो बोलता, उन जाता है, कोई भी नहीं आता, कौन भी नहीं आता। अना बाकी यहाँ पे आप बता रहे हो कि नहर है पास में? हाँ, किनाल है, वो किनाल है, वो किनाल में पानी है? हाँ, पानी नहीं है, ये मन से बंद कर रहा है। और जो भी बोरवेल या फिर कहीं से कभी कभी कोई टैंकर से ले आए, कभी बोरवेल में जहाँ जहाँ पानी मिला वहाँ से लाके हमने किया, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो सूख जाता है, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, बस पानी नहीं है। He also said it's also because of water और fertilizer वगैरह के cost, मतलब pesticides वगैरह के cost की वजह से, fertilizer के cost की वजह से भी the produce has gone down because they could not effectively use that. अच्छा। Lack of money. अच्छा। And the subsidy schemes are also not that helpful is what he said. अच्छा। I said maybe farmers थोड़ा unionize होके इकट्ठे इस बात कर सकते हैं ना, तो हमने ट्राई किया, हम कोशिश करते हैं, जब बोलते हैं 10-15 दिन के लिए पानी आ जाता है या फिर 5-10 दिन के लिए सपोर्ट आ जाता है, उसके बाद हम ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म दैट हैपेंस। सचिन, व्हाट डू यू से फर्टिलाइजर? मंदलू। ना मंदलू सब्सिडी नो, ना नहीं देता। संजय पानी नहीं है और फर्टिलाइजर वगैरह के लिए, पानी जब नहीं था तो इन्होंने ट्रक्स यूज करके पानी यहाँ वहाँ से ले आए, तो डीजल का खर्चा मतलब फ्यूल एक्सपेंसेस एंड बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर द इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप, व्हिच इज व्हाई द प्रोड्यूस इज देयर बट द प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट देयर, इट्स नेट लॉस बेसिकली। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट कि फसल जो है ऑब्वियसली कम हुई है थोड़ी, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जो दूसरे वाले फैक्टर देखोगे, ये आप जानते हो कि एक किसान है उसके लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर हम हैं यहाँ पे रेन वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये लोग, पानी होगा नहीं तो यहाँ से बगल में से कैनाल निकली हुई है जिसके बेसिस पे अपने खेत की सिंचाई करते, लेकिन उस कैनाल में पानी रोक दिया गया, तो इन्होंने क्या किया कि उस पानी की भरपाई करने के लिए टैंकरों से पानी मंगाया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया। तो अगर आप मान के चलो कि 100 रुपये इनको बाजार से कमाने थे, इस बार 90 रुपये की फसल हुई, लेकिन जो इनका खर्चा लगता था इसमें वो 50 से लेके अब सीधा 100 रुपए हो गया है। अना क्या घर में कौन कौन है? मैं मेरा वाइफ है, मेरा छोटा बहन है। अच्छा, क्या उम्र भाई आपकी? 25 का मैं भी हूँ। क्या किया आपने पढ़ाई? मैं 9th क्लास वर्क। आपका बच्चा स्कूल जाता है? हाँ स्कूल जाता है। ना कौन सी क्लास में? वो LKG। तो उसका फीस वगैरह का भी खर्चा होगा? एक साल का। अच्छा 20,000 देना। एक साल का 20,000 देना है कर्नल में। लोन वगैरह? लोन नहीं देता।
क्या बैंक से आपने पूछा? बैंक में लोन गिन क्या भी नहीं देता, लोन देते इसमें पत्रा लेना पेपर्स ये केल का अग्रीमेंट्स अच्छा। बैंक में रखते उन्हों देता खेत के अलावा कोई और काम, कोई और इनकम, कोई और बिजनेस? दूसरा सेन है ना, दूसरा सेन को मंदो वोटने के दानी दिन की कूली होता अच्छा 500 देता अच्छा। ये जैसा महाराष्ट्र में आपने देखा था ना, वही किसान की हालत है। और यही है कि मीडिया की गलत बात है कि प्रोटेस्ट वहाँ के लोग कर रहे हैं, हालत किस पंजाब के लोग के दिखाएंगे और आपको ये एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार किसान की हालत तो हर जगह अच्छी है। तो अन्ना फिर कैसा अभी क्या आगे का क्या सोचा है आपने? He would have to borrow money at 2% interest rate. अच्छा। And he would have to use it for the next cycle. 2%, 2% पे लोन लोगे आप एंड फिर जाके आप जो आपका लॉस हुआ है वो भरोगे। ये जो मुझे एक कॉमन थ्रेड समझ में आया है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं वो अपने खेत में जब उनकी फसल नहीं हो पाती नुकसान हो जाता है और उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो तो उनको क्या करना पड़ता है कि मजबूरन डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और आत्महत्या करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करते हैं तो क्योंकि उनके पास एक ही स्किल है, उनको खेती आती है। किसी बड़े किसान के यहाँ वो एज डेली वेज लेबर काम करते हैं जिसमें उनको 400 रुपया या 500 रुपया दिन का मिलेगा और उससे जो कमाएंगे अगर आप 300 दिन भी काम कर रहे हो तो 15,000 रुपये आप काम कर रहे हो, मतलब आपको 3 या 4 महीने लगातार सिर्फ काम करना पड़ेगा अपना मूलधन चुकाने के लिए, ब्याज की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। और फिर बाद में अपने घर का भी खर्चा है और आपको अगली अगर खेती भी करनी है तो उसके लिए भी आपको सीड्स लेके आने हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। इस खेत में समझ में आया कि देश का किसान पॉलिटिक्स या एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि मैथ्स में हार रहा है। समझ में आया कि छोटा किसान कितने खर्चे की झेलता है। छोटा सा खेत, उसमें बीज का खर्चा, सिंचाई, बुआई, कटाई का खर्चा, खाद का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा, ये सब अपनी जेब से लगाने के बावजूद कितनी चीजें हैं जो उसके बस की नहीं होती। भगवान से बारिश की उम्मीद, सरकार से सब्सिडी की अपेक्षा, सरकारी विभाग से नहर और उसमें पानी की आशा, मंडी से सही दाम का भरोसा, इन सब पर निर्भर होना पड़ता है। कभी कोई एक चीज नहीं मिलती और कभी एक भी चीज नहीं मिलती। और इन सारी मुश्किल के बावजूद फसल जब बिकती है तो कुछ चंद हजार रुपए जेब में आ सकते हैं। आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अगली फसल के लिए बैंक से कर्ज और उसको चुकाने के लिए किसी जमींदार से कर्ज लेना पड़ता है और तब तक किसी दूसरे किसान के यहां काम करना होता है। इस खेत में मुझे मिर्ची तीखी मिली और सच्चाई कड़ दी। तो संडे भारत की जर्नी में एक और फार्मर स्टोरी कवर करने का मौका मिला मुझे। जो अभी पीछे आप किसान देख रहे हो हंसते खेलते हैं बट इनकी जिंदगी में अभी समस्याएं बहुत है। खेती में जो फसल हुई है वो उस मुताबिक नहीं हुई जितना वो सोच रहे थे। हज़ारों, 50,000 का लॉस है और उसको वो अभी आगे जाल के लोन लेके चुकाएंगे और इसीलिए शायद MSP के लिए हमारा किसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है क्या वो गारंटी किया जाना चाहिए, क्या वो मिलना चाहिए, उसका इकोनॉमिक्स क्या है वो बात की बात है, बट जितना मैंने अपनी जर्नी में समझा वो ये कि MSP हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये एक है, क्या मिर्ची उगाई जाती है, एक साधारण सा मसाला जो हमारे मसालदानी में रहता है, जो हमारे मोमोज की चटनी में होता है, उसको उगाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और उसको जो उगाते हैं वो किस मुश्किलात से गुजरते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। संडे भारत जर्नी में ऐसी और वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। तो अगर आप इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट, शेयर ये सब कीजिए ताकि हमें और एंगेजमेंट मिले। नीचे कमेंट बॉक्स में और भी मैं बातें बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए बस, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चैनल सब्सक्राइब చేసుకోండి, लाइक बटन शेयर చేయండి। सब पता है, थैंक यू। चलो भाई।